दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का धमकी देते हुए एक ऑडियो मिलने का दावा किया। आरोप है कि पिछले महीने अनमोल बिश्नोई ने एक ऑडियो मैसेज भेजकर दिल्ली के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और पैसे नहीं देने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिपा है और वो वहीं से दिल्ली और पंजाब के कारोबारियों से अवैध वसूली करने में जुटा है। आरोप है कि उसने पिछले महीने दिल्ली के रहने वाले एक कारोबारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि धमकी देने के लिए उसने बाकायदा एक वॉइस नोट भी भेजा। फोन उठा ले, उसमें तेरा फायदा रहेगा, नहीं तो अपना भी नुकसान कराएगा, अपने लड़के का भी नुकसान कराएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ बदमाशों को गिरफ्तार भी किया था। आरोप है कि उन बदमाशों ने अनमोल बिश्नोई के इशारे पर कारोबारी को डराने के लिए उसके घर पर फायरिंग भी की थी। इधर एनआईए ने हरियाणा और पंजाब के 8 गैंगस्टर पर शिकंजा कसते हुए उन पर इनाम की रकम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने पिछले हफ्ते मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की एक लिस्ट तैयार की और एनआईए के सूत्रों के मुताबिक उस लिस्ट में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे कई गैंगस्टरों के नाम शामिल बताए गए। इसी लिस्ट में हरियाणा और पंजाब से जुड़े 8 गैंगस्टरों पर एनआईए ने लाखों के इनाम की घोषणा कर दी। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला और गौरव पटियाल पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के 6 और गैंगस्टरों पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई। इन आतंकियों की तलाश एनआईए को लंबे वक्त से है। एनआईए ने अपील की कि अगर किसी को इन आतंकियों से जुड़ी कोई खबर मिले तो वो फौरन उन तक पहुंचाए। इसके लिए एनआईए की तरफ से एक ईमेल आईडी और एक नंबर भी जारी किया गया। इस बीच दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एनजीओ के आड़ में धर्मांतरण करवाने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम प्रताप पाटला बताया गया और आरोप है कि वो ऑपरेशन अगापे नाम के एक एनजीओ की आड़ में गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बरगलाता था और उन्हें पैसों का लालच देता था। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा तब उठा जब गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में रहने वाले एक आदमी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने फरवरी में धर्म बदलवाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन उनका तीसरा साथी प्रताप पाटला फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने करीब 3.5 महीने की तलाश के बाद धर दबोचा। ये लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए थे और धर्मांतरण का प्रयास करते थे। जांच में ये बात भी सामने आई कि इस एनजीओ को विदेश से मोटी रकम मिलती थी। आरोपी के पास से पुलिस को मोबाइल फोन और लैपटॉप भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उधर राजस्थान के बीकानेर में दलित समुदाय की लड़की के गैंगरेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी की शर्त रख दी। इस मामले में दिनेश बिश्नोई नाम के लड़के के साथ खाजूवाला थाने में तैनात 2 कांस्टेबल भी आरोपी हैं, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 3 दिन पहले उस लड़की का शव एक मकान के अंदर मिला था, लेकिन परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने खाजूवाला थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जब तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मोदी को तब तक नहीं उठाएंगे तब तक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जांच के दौरान तीनों आरोपियों का एक पुराना वीडियो भी पुलिस को मिला, जिसमें मुख्य आरोपी दिनेश दोनों आरोपी कांस्टेबल के साथ डांस करता दिखा। इनकी जो भी मिली भगत है आपराधिक तत्वों के साथ, उसकी जांच वो करेंगे। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। इस बीच भारत ने श्रीलंका पर 22 मछुआरों को अगवा करने का आरोप लगाया। सभी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में गए थे, लेकिन श्रीलंका की नौसेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी 4 नावों को भी जब्त कर लिया। सभी मछुआरे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मछुआरों की गिरफ्तारी पर भारत की तरफ से जवाब मांगे जाने पर श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि जिन मछुआरों को पकड़ा गया वो जाफना के नजदीक डेल्फ द्वीप के पास मछलियां पकड़ रहे थे। ये पूरा इलाका श्रीलंका की समुद्री सीमा के अंदर आता है। श्रीलंका की इस कार्रवाई से तमिलनाडु में पीएमके यानी पट्टाली मक्कल कच्ची पार्टी के संस्थापक एस रामदास नाराज हो गए। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि श्रीलंका ने मछुआरों का अपहरण किया और उनकी नाव छीन ली, जबकि वो अपनी सीमा में मछली पकड़ रहे थे। उधर अमेरिका के टेक्सास में बवंडर ने जमकर तबाही मचा दी। वहां आया बवंडर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल भी हो गए। इतना ही नहीं, तबाही मचाने वाले बवंडर ने कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ घरों की छतें बवंडर अपने साथ उड़ा ले गया, लेकिन बताया गया कि सबसे ज्यादा नुकसान लकड़ी से बने घरों को पहुंचा। टेक्सास में बवंडर के साथ तेज हवाएं चली, साथ ही भारी बारिश भी हुई, जिसकी वजह से बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि वहां करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली गुल होने की वजह से अंधेरे में रहना पड़ा। यानी भीषण गर्मी की मार झेल रहे टेक्सास के लोगों की बवंडर ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। टेक्सास में पिछले हफ्ते भी बवंडर ने भारी तबाही मचाई थी, तब बवंडर की चपेट में आने से 100 लोग घायल हो गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया की संसद के पास रूस अपने नए दूतावास की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया कि रूस के राजदूत उसी जगह पर रहने के लिए अड़े हुए हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने जासूसी का आरोप लगाते हुए रूस को अपनी संसद के पास नया दूतावास बनाने से रोक दिया था, जिसकी वजह से रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने नए दूतावास वाले इलाके को खाली नहीं किया।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के राजदूत ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन के पास वाले इलाके में ही रह रहे हैं, जहां रूस का नया दूतावास बनना था। ये दूतावास ऑस्ट्रेलिया की संसद से महज 400 मीटर की दूरी पर बनाया जाना था, जिसके लिए रूस ने लीज पर जमीन ली थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने जासूसी का आरोप लगाते हुए रूस के नए दूतावास बनाने पर रोक लगा दी। लेकिन रूस के जिद पर अड़ जाने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी भड़क गई। उसने साफ कर दिया कि रूस के अधिकारी ने जल्द इलाके को खाली नहीं किया तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुलिस की एक गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो सड़क पार कर रहा था, तभी पुलिस की गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पार करने की कोशिश करता नजर आया। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचा, सामने से आ रही पुलिस की एक गाड़ी ने उसे रौंद दिया, जबकि पुलिस की गाड़ी टक्कर मारने के बाद एक सेकंड भी नहीं रुकी। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने उस घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही इस बात की जानकारी उस आदमी के परिवार वालों को लगी, उन्होंने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुंबई के नगर निगम बीएमसी के एक पूर्व मेयर भी कोविड सेंटर घोटाला मामले में ईडी के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक घोटाले की जांच कर रही ईडी को इस बात की जानकारी मिली कि पूर्व मेयर की सिफारिश पर ही ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जिसने दवाओं, डॉक्टरों की तैनाती और यहां तक कि शवों को पैक करने वाले बैग की खरीद में भी घोटाला किया। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को जांच में पता चला कि शवों को पैक करने वाला जो बैग बाजार में 2000 रुपए की दर से मिल रहा था, उसके लिए कंपनी ने बीएमसी से 6800 रुपए वसूले। आरोप है कि कंपनी ने कोविड के इलाज में इस्तेमाल दवाओं पर 25-30% ज्यादा कीमत वसूली। इतना ही नहीं, बीएमसी को दिए बिल में कोविड सेंटर में उन डॉक्टरों की तैनाती दिखाई गई जिन्होंने वहां कभी काम ही नहीं किया। इसी वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोविड में सेवा देने के नाम पर इस कंपनी ने बीएमसी को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। दो दिन पहले ईडी ने मुंबई में एक आईएएस अफसर के साथ उद्धव गुट के दो नेताओं के घर छापेमारी की थी और अब मुंबई नगर निगम के पूर्व मेयर उसके रडार पर है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका पर भड़क गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसके पास यूक्रेन युद्ध में देने के लिए रुपए हैं, लेकिन कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए नहीं। और इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने अमेरिका पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि शहबाज शरीफ की सरकार ने कई बार अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने कर्ज में डूबे पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार फिर अपने देश की कंगाली का रोना रोने लगे और उन्होंने यूरोप के बैंकों से भी कर्ज मांगने में देरी नहीं की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से अमेरिका ने युद्ध में यूक्रेन की मदद की, अगर वो पाकिस्तान की भी मदद करता तो आज पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज नहीं होता। इस बीच पाकिस्तान में ईसाई धर्म मानने वाले एक आदमी को ईस्ट निंदा के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। जानकारी के मुताबिक ईसाई समुदाय के नोमन मसीह नाम के उस आदमी पर इस्लाम धर्म के अपमान का आरोप लगा, जिसके बाद पाकिस्तान के बहावलपुर की जिला अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आरोप है कि नोमन मसीह के मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिनके जरिए इस्लाम धर्म के अपमान की आशंका जताई गई और यही वजह थी कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि इस फैसले के बाद वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क उठे, साथ ही कई मानवाधिकार संगठनों ने भी अदालत के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया। इस दौरान उनमें एक संगठन ने ये ऐलान भी कर दिया कि जरूरत पड़ने पर वो इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इधर यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान उतारने की तैयारी पूरी हो गई। बताया गया कि अगले दो दिन वायुसेना के लड़ाकू विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो करेंगे और इससे पहले कई अधिकारी एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे। बताया गया कि 24 जून को यहां एयर शो किया जाएगा और अगर मौसम खराब हुआ तो एयर शो 25 जून को होगा, जिसके लिए 24 और 25 जून को सुल्तानपुर में करीब 12 किलोमीटर का रूट डायवर्ट किया जाएगा। साथ ही एयर शो के दौरान एक्सप्रेसवे के आसपास सुरक्षा बल और पुलिस का कड़ा पहरा भी रहेगा। बताया गया कि एयर शो के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे से उड़ने और एक्सप्रेसवे पर उतरने की रिहर्सल